हमारे उत्तराखंड में खूबसूरती की कमी नहीं। एक और सुनहरा सा झरना, मानो जैसे कि दूध बह रहा हो ऊपर से। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप कि सब लोग अच्छे होंगे और आपका यूके भाई भी स्वस्थ है और मस्त है। तो गाइस, सुबह के बज चुके हैं 10 और मेरे पीछे देखिए ये व्यू और साथ साथ में रिमझिम वाली ये बारिश। ये भी दूर ना, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मौसम, ये देखिए गाइस, ये माल्टे का पेड़ है मस्त। और अभी मैं आ रखा हूँ जड़ावखाल में। यहाँ पे मैं रुका हूँ, यहाँ पे रहने की भी व्यवस्था है, ये देखिए कमरे। मगर अभी तो मेरे को कोई नीड नहीं है, मतलब ये रुकने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ जिस डेस्टिनेशन पर मैं जा रहा हूँ वहाँ पे मतलब सब कुछ ठीक है ना, रोड टूटी है, सब कुछ ओके है, तो शाम तक मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। मगर यहाँ पे बता दूँ गाइज आपको, आप जड़ावखाल में अगर कभी रात देर हो जाती है आपको, तो आप रुक सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक होटल है और मतलब ढाबा कह सकते हैं आप। रहने के लिए इस टाइप के कमरे होते हैं, चारपाई लगी होती है, बहुत रिजनेबल रेट मिल जाते हैं यहाँ पे, 100 रुपये में, 50 रुपये में। और ऐसी ही कमरा इधर भी है, भाई सब सो रखे हैं। और आपको कुछ चीज़ यहाँ पे हरीश भाई ने बहुत अच्छी लगा रखी है, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि आड़ू, ये देखिए ये है आड़ू का पेड़, माल्टा को दिखा दिया मैंने आपको, ये है आड़ू का पेड़, देखिए इस पर आड़ू भी हो रहे हैं बहुत शानदार। ये देखिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, देखिए गाइस आड़ू हो रहे हैं और मैंने अपनी गाड़ी वहाँ सामने पार्क कर रखी है। और मौसम बहुत ही मस्त वाला हो रहा है, अच्छा लग रहा है। और अब दिखाते हैं आपको हरीश भाई का ढाबा विथ उनकी शॉप। ये देखिए ये हरीश भाई का ढाबा है और उनकी ये शॉप है जड़ावखाल में। कभी भी अगर आपको यहाँ पे रात अधरात अगर हो जाए तो आप यहाँ पे आके रुक सकते हैं। यहाँ पे कमरे भी अवेलेबल हैं और खाने पीने की उचित व्यवस्था और घर के लिए यहाँ पे सारी सामग्री मिल जाती है। और खाना खाना देखिए गाइस, ये बनता है लकड़ी के चूल्हों में, ये देखिए बहुत बढ़िया। रोटी भी अभी ना यहाँ पे ही बनेंगी गर्मा गर्म। और मैं अभी यहाँ पे आधा एक घंटा वेट करके ना, क्योंकि इसके बाद फिर आगे जाएंगे ना, तो खाना वहाँ पे भी अच्छा है नो डाउट, मगर मुझे यहाँ का खाना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि रोटी जो है ना चूल्हों पे बनती है, बहुत बढ़िया लगता है कोयलों पे, और इस तरफ सब कुछ इन्होंने बना के रखा हुआ है। तो गाइज यहाँ से खा के निकलेंगे आगे। और आपको बता दूँ यहाँ पे घर की जो हमारे गांव में दालें होती हैं वो यहाँ पे मिल जाती हैं। ये देखिए जैसे कि ये गहत है, ये भट है, और ये देखिए गाइस ये जो घर के धान होते हैं ना, मतलब चावल लाल वाले, ये वो हैं पहाड़ी चावल लिखा उन्होंने भाई साहब ने। और झूमरा दिखाता हूँ आपको, झूमरा अभी हो गया नहीं, और भी बहुत सारी दालें हैं यहाँ पे। ये देखिए एक दाल ये भी है, ये भी है। हरदा झूमरा ख़त्म हो गया ना, झूमरा ख़त्म हो गया, हरीश भाई बता रहे हैं। यहाँ पे मतलब पहाड़ी ज़्यादा उत्पाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए गाइज, अभी जब खाना खाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि खाना क्या क्या यहाँ पे मिल सकता है खाने में, और उसका मैं दाम भी बताऊंगा आपको, आप शौक रह जाओगे उस थाली को देख के। और उसका मैं जब रेट बताऊंगा ना आपको, तो आप बाकी मैं गारंटी से बोला आप शौक हो जाओगे इस रेट पे हरीश भाई यहाँ पे खाना खिलाते हैं। मतलब एक तरफ से ना ये श्रद्धा हो रही है, मतलब कह सकते हैं हम कि यहाँ पे सेवा दी जा रही है, बहुत ही बढ़िया है ये जगह। ये देखिए गाड़ी पार्क करने के लिए भी कम से कम 3-4 बसें खड़ी हो जाती हैं और गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं आराम से। तो अब सीधा जब खाना लगेगा मैं तब मिलता हूँ आपको गाइस, बने रहिएगा इस ब्लॉक में। तो गाइस खाना लग चुका है, ये देखिए कड़ी दाल और ये आलू मटर की सब्जी है, सलाद रोटी, इसके बाद फिर राइस ले लेंगे। तो इसको मैं बताता हूँ आपको टेस्ट करके, ट्राई करते हैं सबसे पहले कड़ी से।
क्योंकि अपने फेवरेट भी है। बहुत मस्त ये देखिए गाइस, ये जो रोटी बन के आ रही है ये लकड़ी के चूल्हों में बन के आ रही है, देखिए बहुत बढ़िया। दो मटर की सब्जी मजा आ गया। दाल अमेजिंग गाइस, अनलिमिटेड खाना है, जितना खा सकते हो, मात्र 60 रुपीज ओनली। तो आप इतना बढ़िया और साफ सुथरा खाना मुझे लगता नहीं मिलेगा इस प्राइस पे। ये गाइस गर्मा गर्म रोटी आ गई गाइस, सभी जगह जल मग्न हो रखा है, पानी ही पानी, पानी ही पानी। ये देखिए, ये देखिए, ओए हो क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तो पानी गंदा आ रहा है यार, मैं सोचा था पीऊँगा मगर पानी गाइस गंदा आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, मगर लग बहुत अच्छा रहा है। ये देखिए मस्त एकदम, जल ही जीवन है, बिल्कुल जनाब जल ही जीवन है। गाइस सैलाब, सैलाब उमड़ चुका है यहाँ, देखिए देखिए बाप रे गाइस, बहुत ही खतरनाक, मतलब मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा झरना नहीं देखा। उफ सो डेंजर गाइस, डर भी लग रहा है यहाँ पे खड़े हुए, देख रहे हो सैलाब आ रहा है, सैलाब बहुत जोरदार बारिश हो रही है गाइस। गॉड, सुबह के बज चुके हैं 8 और आपका भाई निकल रहा है आगे दमदेवल की तरफ, और बहुत ही कूल आज का ये मौसम हो रखा है, बारिश नहीं है मगर हो भी सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी क्योंकि बादल लगे हुए हैं। अभी फिलहाल मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जब ऐसा कभी मौसम होता है तो अक्सर मन कर जाता है कुछ गाने हो जाए, कुछ थोड़ा सा मतलब फन टाइप हो जाए। तो गाइज मेरे साथ साथ आप भी इंजॉय लीजिए इन बेहतरीन खूबसूरत से पहाड़ों के बीच इन गानों का। Thank you.
गाइस सच में मजा आ गया, बर्फ सी गिर गई गाइस, मजा आ गया क्योंकि जिस हिसाब का ये मौसम हो रहा है ना, तो गाना भी इस पे शूट हो रहा है, क्या बताऊं गाइस, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा। इन घनघोर जंगल के बीच में ये हॉट पैक्स रोड जिगजैग करती हुई, ओए होए, एक अलग ही लेवल। जिना चंगे कोना चंगे लग दे ओ कीवे पिंड कजिए असी चोल पाक भी नंगे लग दे फीके फीके थे दिन रात मेरे साथ मेरे छुआ तूने तो जीने का स्वादा गया Thank you.